पूर्वी दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार मामा और भांजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, फिर वहां से फरार हो गए। इस घटना में भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक ई कॉमर्स कंपनी में सीनियर मैनेजर था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर आरोपियों की पहचान कर ली है। मामला भजनपुरा इलाके के सुभाष विहार का है। यहां रहने वाला हरप्रीत सिंह अपने मामा गोविंद के साथ मंगलवार रात 11:30 बजे बाइक पर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में गली नंबर 8 के पास 5 लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो गई। रोडरेज में बदमाशों ने मामा भांजे के सिर पर गोली मार दी। हरप्रीत की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। गोविंद को तुरंत जब प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल गोविंद का इलाज चल रहा है। मृतक के पिता करनैल सिंह ने बताया कि हरप्रीत उन्हें बोल कर गया था कि वो 10 मिनट में आ रहा है। इसके बाद वो अपने मामा गोविंद के पास सुभाष मोहल्ला पहुंचा। दोनों सिल्वर कलर के स्प्लेंडर पर सवार होकर कहीं जाने लगे। रास्ते में उन्हें स्कूटी सवार 5 लड़कों ने रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्होंने टारगेट करके हरप्रीत के सिर पर गोली मारी। गोलियां गोविंद को भी लग गई। हरप्रीत की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोविंद घायल होकर वहीं गिर गया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय तिर्की के मुताबिक पुलिस ने स्पॉट से कुछ सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं, जिसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार और पुलिस का कहना है कि हरप्रीत को सिर में करीब से गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि गोविंद के भी एक सिर के पास गन शॉट इंजरी है। हत्या की वजह आपसी झगड़ा है। दोनों पक्षों के बीच गाड़ी को रास्ता न देने को लेकर विवाद हुआ था। रोडवेज में फिर आरोपियों ने गोलीबारी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।